सारी रात नहीं सुता क्यों व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज बड़े आंदे व्हाट्सएप पे इन्ने मैसेज हमजा शबाज साहब दे मैसेज ना करें 135 मैसेज मेरा तरा निकल गया मैं कहा खैर होवे क्या हुआ मैं गया कढ़िया डाला पहुंचया मारया सलूट मैं कहा सर की हो गया है हां कहंदे ने अननोन नंबरां तो व्हाट्सएप ते मैसेज आ रहे अच्छा मैं कहा सर की लिखया ने हां कहंदे ने लिखया ने के क्या जिंदगी है तुम्हारी पापा दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर और तुम्हारे पास कोई मिनिस्ट्री ही नहीं यार देखो यानी एडा डेंजरस तंज कीता हाँ। मैनू कहंदे ने है कौन बंदा अननोन मैं फिर गया जाके कंप्यूटर ते चेक कीता अच्छा बिलावर जरदारी साहब ना करे बिलावर साहब हमजा को मैसेज कर रहे हैं हां जी ये तो कोई नया नंबर लाए के अच्छा पता ना लगे ओके मैंने कहंदे ने अरे फड़ा जरा हां लैके तो मैंने कहा हूं मैं इन मैसेज करांगा इन लग पता जाएगा ठीक है अब लिखा ने तुम्हारे पापा भी तो दूसरी मर्तबा सदर बने हैं हाँ। मिनिस्ट्री तो तुम्हारे पास भी नहीं अच्छा मैं को बिलावल साहब ने फौरन जवाब दिता है क्या उन्हें क्या मैं फॉरेन मिनिस्टर तो बना था अच्छा अगो इन्होंने लिखा मैं सीएम भी तो बना था अच्छा अगो उन्होंने लिखा मेरी मामा प्राइम मिनिस्टर थी ठीक है अगो हमजा साहब ने लिखा मेरे ताया प्राइम मिनिस्टर थे अगो उन्होंने लिखा मेरा नाना प्राइम मिनिस्टर था लिखा ने मेरे भांजे का नाना अभी प्राइम मिनिस्टर है अच्छा अगो उन्होंने फिर लिखा मोटे लफ्ज़ बिलावल साहब ने क्या उन्हें क्या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं होऊंगा ठीक है फिर खाली लिखा ने Now you're being mean. नंबर ब्लॉक कर दिता ने ठीक है हाँ उस तो बाद कहंदे ने हुण करेगा ना मैसेज फिर मैं इन्हें जवाब देंगा ठीक है यार कैसी जंग है सियासी ओ ओ यार ओ केड़ी कान दे टक्कर मारा ओ यार एडे अच्छे मेहमान दस दे नहीं अच्छा यार एक मैसेज कर दिंदा मैं तेरा फर्स्ट क्लास जा बन के आऊंगा आप फर्स्ट क्लास लग रहे हैं नहीं यार ये नहीं वो सिविल कपड़ों के विच मैं आना सी यार अच्छा अच्छा मैं सलेडी सोनी साड़ी मच साड़ी इन्हें ही जचती है अच्छा एक बार मैं मजाक नाल पाई तो लोगों ने वो जुगतां कीतियां मैंने कहा नहीं पट्टी कितों करा के आया वे जांगलूस तो फैन है मैं अच्छा जी जांगलूस तो बाद मैं इन्ने मैसेज किए तो मोबाइल ही ना होंगे सी हाँ। मैं फिर बड़े मैसेज किए कोई जवाब नहीं आया अच्छा आखिर आंच दे उत्ते फिर इन्होंने जवाब में दिता थैंक यू अच्छा उस तो बाद मैं फैन होया अच्छा। चौधरी एंड संस हर किस्त में वेखी है अच्छा नहीं समझ आई माशाल्लाह ते भाईजन भी ड्रामे काम करते हैं कि नहीं अरे कौन क्या भाईजन नहीं करते पॉलिटिक्स में वही मैं सोच रहा भाईजन में किधरे देखे है हाँ। और काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता कंगन पर दे आगे ने अच्छा। मैं माशाल्लाह इस वरी इलेक्शन ते जाके देखे है अच्छा ओ रोब दबदबा मैं कहना किसी ने बर्दाश्त नहीं किया वो वोट पाए ने भाईजन नु खरे कितू पाए ने क्या मतलब लोगों ने दिए माशाल्लाह बाजी एक फोटो में लेनी है ए, नहीं नहीं बाजी प्लीज तुसी बैठो नहीं 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 बाजी प्लीज मैं अज की सब ती वड्डी फोटो ये ही है बस बहुत शुक्रिया भाईजन की फोटो मैं बनावांगा भाईजन लो कोई नहीं बनाऊंगा मैं तो बनावा वाह ये डबल हो गया ना ये हाशम डोगर के दोस्त भी हैं नहीं नहीं हाशम डोगर साहब साडे कोले मेरे सर बॉस ही रहे ने कुछ अरसा मेरे बॉस रहे ने जी 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 इस वास्ते ते हुण आउण वाले बॉस वाला कौन ने कौन ने भाईजन ते कम अज कम नहीं वेलकम बैक टू गपशप जी सवाल कौन पूछेगा अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम राणा हामिद है और मेरा सवाल है MPA चौधरी एहसन रजा से कि आपको पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया और आप जीतने के बाद फिर नून लीग के साथ चले गए इसकी क्या वजह है बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ फ्यूडल्स के ख़िलाफ़ मेरा हमेशा से एक स्ट्रगल रही है मेरे मुकाबले में हसन अख्तर मोकल मरूम थे जी वो जो मुसलसल 85 से लेके आ रहे थे अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया 8 में फिर पार्लियामेंट में पहुंचे जब जब पार्टी पे बुरा वक्त आया वाकई हम जेल में होते हैं लेकिन असल में ना जी हमारे यहाँ पे वो पॉलिटिकल जो एक वर्कर का जो है ना जी वो ख़त्म हो चुका है एक दौर होता था स्टूडेंट लाइफ में मुझे याद है मैं अंजुमन तलबा इस्लाम में होता था ये हमारी एक फैक्ट्रियाँ थी हमारे सियासतदान बनाने की ये तनजीमें जो थी
लेकिन आज बदकिस्मती है कि वो आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बाकी देखें जो आपने बात की है ना कुर्बानियों की, तो कुर्बानियां देनी चाहिए, नज़रिए के साथ बंदा खड़ा हो। अब पाकिस्तान के लिए हमारे अबाव अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, तो इंशाल्लाह हम आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इसके जो भी कुर्बानी मांगेगा पाकिस्तान स्टेट, हम उसको देंगे कुर्बानी। वैसे ऐसा नहीं, आप कौन कौन सी जेल में रह चुके हैं? जी मुशर्रफ दौर में तो मैं कसूर जेल में था। ठीक है, पेशावर जेल भी गए? हाँ, मर्दान जेल, मर्दान जेल गए। और उसके अलावा? उसके अलावा मेरा ख्याल है अडियाला। अडियाला तो नहीं? नहीं उधर नहीं, अडियाला की तरफ नहीं गए। और हिंदी है जी? जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से है, मेरा नाम नादिया है। एक अच्छे एक्टर्स बनने के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक्टिंग आनी चाहिए और दूसरा एक्टर को सेंसिटिव होना चाहिए कैरेक्टर को समझने के लिए, कि उसकी डेप्थ में जाके जब आप सेंसिटिव होते हैं और कैरेक्टर को डीपली अपने ऊपर तारी करते हैं तो फिर आता है सही परफॉर्मेंस का मामला। वरना अगर आप पढ़ेंगे डिलीवर करेंगे, चाहे आप टोन पिच अच्छी हो आपकी और फीलिंग्स ना हो, तो फिर कमी रह जाती है। तो इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है और एक्टिंग आनी चाहिए, जो कि इनबॉर्न भी होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, और प्लस कुछ लोगों को ज़िंदगी में कुछ इतने हिट्स मिले होते हैं, इतने हर्ट्स मिले होते हैं कि वो इतने टूटे होते हैं, वो उतने ही अच्छे, वो कहते हैं ना कि रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितने आपकी ज़िंदगी में इस तरह के टर्न्स आते हैं तो आप उतने ही ज़्यादा निखर के बाहर आते हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम शाजिया है और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वैसे तो। थैंक यू। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं आप, लेकिन आपके बच्चे इस फील्ड में नहीं आए, इसकी क्या वजह? बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन की हद तक मेरी बड़ी बेटी ने भी एक प्ले किया था, वो टीम अच्छी थी, अनवर मकसूद साहब ने लिखा था, एस सुलेमान साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें है बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन जब वो मुझसे बात करते थे तो मैं कहती थी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर जो चूज़ करना है वो करना। तो बाय द टाइम उनकी पढ़ाइयाँ पूरी हुई तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल। फेयर इनफ कि नहीं उनका दिल चाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पूरा जी, मेरा क्वेश्चन मैम से है। जी जी। कि मैम ने आज तक कोई मूवी नहीं की है, तो इसकी रीज़न जो है वो अपने वालिद साहब से किया गया प्रॉमिस था, या कोई मर्जी की आपके पसंद की ऑफर नहीं आ सकती? जियो नजूमी साहब। जी मैडम, क्या वजह थी? नहीं, मुझे कोई कैरेक्टर ही इस तरह का समझ नहीं आया, बिकॉज कीपिंग इन माइंड कि वो बड़ी स्क्रीन पे चलेगा, तो मैं कोई नोटिसेबल कैरेक्टर, मैं मेन कैरेक्टर की बात नहीं कर रही, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें मेरे करने के लिए कुछ हो वो करना चाहती थी। तो उस तरह के कैरेक्टर्स जब मुझे ऑफ़र हुए तो डेट्स का इशू था, और जब डेट्स का इशू नहीं था तो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं थे।